सैदा में आपका स्वागत है। तो आज मैंने मेरे किचन में बनाया है भजिया कढ़ी, जिसे पकोड़ा कढ़ी भी कहते हैं। मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से और झटपट तरीके से ये भजिया कढ़ी बनाकर तैयार किया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और बनाकर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये भजिया कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये भजिया कढ़ी बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब दही ले लिया है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल दही का इस्तेमाल किया है, आपको चाहिए तो आप खट्टी वाली दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो कढ़ी बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दही ले लिया है। अब इस दही में मैं ऐड कर दूंगी बेसन 2 चम्मच। अब इस दही को और बेसन को अच्छे से मैं बीट कर लूंगी, क्योंकि बेसन के जो लम्स है वो ना बने, इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे दही और बेसन को मिक्स कर कर। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दही लिया था, इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करके इन्हें मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज नमक। कड़ी में कड़ी के हिसाब से नमक ऐड किया है, और भजिए में हम नमक अलग से ऐड करेंगे। अब मैं इस तो यहाँ पे मैंने 1/3 के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब दही लिया था, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 लीटर के करीब पानी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक और पानी इसमें ऐड करके इन्हें मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इस कढ़ी को दूंगी तड़का कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम पे एक कढ़ाई रख दिया है, अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑन। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तो भजिया कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आपको चाहिए आप कोई भी रिफाइन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस भजिया कढ़ी को सरसों के तेल में आप तैयार करोगे तो ये और भी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच के करीब राई। मैंने यहाँ पे तेल में 1/2 चम्मच राई ऐड कर दिया है, और 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी, और 4 से 5 मेथी दाना मैं इसमें ऐड कर दूंगी, साथ ही साथ 8-10 कड़ी पत्ते, तीन लाल सूखी मिर्च, और 1/2 कटा हुआ प्याज। मैंने प्याज को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। आधा चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे प्याज को ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक का अच्छे से भून लूंगी गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर। यहाँ पे मैंने प्याज को करीबन 2 से 3 मिनट तक का अच्छे से भून लिया है गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर। प्याज जो है वो हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कढ़ी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें जो है अदरक और लहसुन को बारीक बारीक सा चॉप कर इसमें ऐड कर सकते हो इस कढ़ी को बनाने के लिए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद मैं इन्हें भी करीबन 1 से 1.5 मिनट तक का अच्छे से भून लूँगी। जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल होती है वो इजीली निकल जाएगी, इसलिए मैं इन्हें करीबन 1 से 2 मिनट तक का अच्छे से भून लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को करीबन 1 से 2 मिनट तक का अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने कड़ी बनाकर तैयार कर ली थी बेसन और दही की, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने जो मैंने दही और बेसन की कड़ी को बनाकर तैयार किया था एक साइड फेंट कर रखा था, उसे मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ये कड़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पकने के लिए छोड़ दूंगी, और इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि बेसन जो मैंने इसमें ऐड किया है उसके जो है वो लम्स ना बन जाए, इसलिए हम बड़े ही ध्यान से बीच बीच में इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारी कड़ी पक रही है हम दूसरी साइड जो है भजिए को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कड़ी के भजिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है करीबन 200 ग्राम के करीब जो है बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 से 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। इस भजिए के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कड़ी में हमने अलग से नमक का इस्तेमाल किया था कड़ी के हिसाब से, अब मैं भजिए के हिसाब से इसमें नमक ऐड करूंगी। और प्याज हरी मिर्च और नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप लाल मिर्च और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज डाल सकते हो कि आपको कितना तीखा चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और इस भजिए को बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 के करीब अजवाइन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसे इस भजिए के बैटर को बनाकर हम तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने भजिए के बैटर को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी साइड जो है इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो भजिए को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने दूसरी साइड एक कढ़ाई रख लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब इस कढ़ाई में मैं तेल ऐड कर दूंगी भजिए को फ्राई करने के लिए। तेल को कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है। अब इस तेल को अच्छा सा गर्म होने के बाद इसमें मैं भजिए को फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे तेल जो है अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसमें जो है भजिए को फ्राई कर लूंगी। भजिए को इस तेल में ऐड कर 4 से 5 मिनट तक का अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल कर बाकी के जो भजिए है सेम तरीके से फ्राई कर निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने भजिए को तेल में अच्छे से फ्राई कर निकाल लिया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी कड़ी में। तो यहाँ पे मैंने कड़ी को 20 से 25 मिनट तक का अच्छे से पका लिया है। मैंने इसे बीच बीच में इस तरीके से चला लिया था। ये पककर थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। आपको चाहिए तो आप इसे पतली रख सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से इस कड़ी को तैयार किया है। मैं भजिए को ऐड कर दूंगी। तो कड़ी में मैंने भजिए को ऐड कर दिया है। उसे इस तरीके से चला लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था, उसे मैं ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो कड़ी को तैयार कर मैंने इसमें भजिए ऐड कर दिए और 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से कट कर और हरा धनिया मैंने गार्निश के लिए इसमें ऊपर से डाल दिया है। अब मैं इन्हें ढककर
गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 3 से 4 मिनट तक का पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसे ढककर 3 से 4 मिनट इसलिए पका रही हूँ क्योंकि भजिए में जो है कड़ी अंदर तक चली जाए, इसलिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी जो है भजिया कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक का ढककर अच्छे से पका लिया है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने भजिया कड़ी बनाकर तैयार कर दिया है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में सर्व करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने भजिया कड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट तरीके से ये भजिया कड़ी बनाकर तैयार किया है। आप भी मेरी इस रेसिपी की टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी जो भजिया कड़ी है वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।